ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ నలభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున బిహార్ రాజేంద్ర సింహ యాభైవ పుట్టినరోజున హిందీని అధికారిక భాషగా ఇక ఈ నిర్ణయం యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున అమల్లోకి వచ్చిన భారత రాజ్యాంగం ఆమోదించింది భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై మూడు ప్రకారం దేవనాగరి లిపిలో రాసిన హిందీని అధికారిక భాషగా స్వీకరించు మొత్తం మీద భారతదేశంలో ఇరవై రెండు షెడ్యూల్డ్ భాషలున్నాయి వాటిలో రెండు అధికారికంగా యూనియన్ స్థాయిలో ఉపయోగించబడుతున్నాయి హిందీ ఇంగ్లీష్ ఆధునిక హిందీని నేడు రెండు వందల యాభై మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు మొదటి భాషగా మాట్లాడుతున్నారు మరి ఇప్పుడు హిందీ భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా ఉపాధ్యాయులు సుకుమార్ పెట్కులే प्रसंगम विंदमरी हिंदी प्रेमी सभी साथियों को समस्त भारतवासियों को आज चौदह सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भारत की आज़ादी की लड़ाई में सारे देश को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा कोई थी तो वह हिंदी थी हिंदी ने ही सारे भारतवासियों को एकजुट कर स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम सभी देशवासियों को मिलाया है आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने हिंदी के माध्यम से ही सारे देश को एक सूत्र किया है और अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़कर हमें आज़ादी दिलाई केवल महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि सारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को अपनाया और अंग्रेजों को भगाया भारतवासी अंग्रेजों को भगाने में सफल तो हुए लेकिन अंग्रेजी को यहां से भगा नहीं सके आज अंग्रेजी का प्रचार और प्रसार संपूर्ण भारत में हो रहा है कोई बात नहीं लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी को हम पिछड़े नहीं होने देंगे कई साहित्यकारों ने हिंदी में अनेक निबंध नाटक एकांकी उपन्यास कविताएं, दोहों की रचना की उन सब का हमें प्रचार और प्रसार कर जन जन तक उस साहित्य को पहुंचाना है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को हर व्यक्ति अपनाना है इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आदिलाबाद ज़िले में पिछले दस वर्ष से हिंदी भाषा सेवा समिति सक्रिय रूप से कार्य कर रही है यह एक स्वतंत्र संस्था है मैं स्वयं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सभी सदस्यों के साथ हर वर्ष जिला स्तर पर हम हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत हिंदी दिवस को धूमधाम से मनाते आ रहे हैं इस कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों अध्यापक गण भाग लेते हैं इसमें हिंदी विद्वानों का सम्मान और सत्कार किया जाता है अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है विद्यार्थियों को निबंध लेखन भाषण प्रतियोगिताओं के साथ साथ चित्र लेखन प्रतियोगिताएं भी होती है विजेताओं का सम्मान किया जाता है और इसमें जिलाधीश से लेकर संसद सदस्य विधायक जिला शिक्षण अधिकारी ऐसे कई दिग्गजों को आमंत्रित कर हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने में हिंदी भाषा सेवा समिति कार्यरत है हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदी का मान और सम्मान में कोई कसर न छोड़े हिंदी का केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में इसका प्रचार और प्रसार हो इसके लिए हम सब मिलकर कदम बढ़ाएंगे इतना कहते हुए मैं पुनः एक बार आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ हम सब मिलकर हिंदी की मान हिंदी की शान हिंदी की पहचान बढ़ाएंगे और जन जन तक हिंदी को पहुंचाएंगे। इतना कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंदी धन्यवाद साथियों सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की अग्रिम बधाई देना चाहूँगा साथियों 14 सितंबर उन्नीस को भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा और राज्य घोषित की है साथियों केवल हिंदी दिवस एक भाषा का उत्सव नहीं होकर ये भारत की विविधता भारत की अखंडता भारत की एकात्मता भारत की संप्रभुता की ये भाषा बन गई है आजादी की लड़ाई में हिंदी ने जो अपना कर्तव्य निभाया है वो कोई और उसका स्थान नहीं ले सकता जैसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं इस तरह के काव्यात्मक रचनाओं ने भारत देश के युवाओं को आज़ादी के संग्राम से जोड़ा हम सुभद्रा कुमारी चौहान के वो चार पंक्तियाँ नहीं भूल सकते बुंदले हर बोले मुँह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी साथियों यह सफ़र ऐसे ही तय नहीं हुआ हिंदी ने कहीं उतार चढ़ाव देखे हैं और भिन्न भिन्न जो हमारी संस्कृति है उसको एक रूप में ढाला है जैसे नदियाँ हजारों नदियाँ बहकर एक सागर में एक हो जाती है उसका अस्तित्व मिट जाता है भारत में अनेकों बोलियाँ बोली जाती हैं अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन उस पर जो राज हिंदी का है वो भारत को एक सूत्र में बांधे रखता है हिंदी ऐसी भाषा है जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो टी ओ टू होता है लेकिन जी ओ नहीं होता और बी ओ टी बट होता है पी टी पट नहीं होता क्योंकि हम लिखते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है हिंदी का समृद्धशाली इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है साथियों ये मत सोचिएगा कि अंग्रेजी पूरे वर्ल्ड में चलती है या नंबर वन है मैं आपको आपकी जानकारी के लिए ऐतिहासिक बातें बताना चाहूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैंडरिन है जो कि चाइनीस है साथियों दूसरे नंबर पर अंग्रेजी आती है और तीसरे नंबर पर हिंदी आती है साथियों यह मत समझिएगा कि इंग्लिश बोलने से आपको समृद्धशाली समझते हैं या ज्यादा विकास किया है ऐसा समझते हैं ऐसी जो आप संभ्रम लेके चल रहे हैं इसको अपने मन से निकाल दीजिए अमिताभ बच्चन जी जब दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते देवी और सज्जनों कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कोरोना के समय में हमने देखा था कि सारी देश दुनिया हाथ मिलाने से कतरा रहे थे विदेशी कल्चर जो है आलिंगन करना हाथ मिलाना इससे कतरा रहे थे और नमस्कार का जो पोज होता है वो पोज दे रहे थे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी हमारा अस्तित्व है और हिंदी से ही ये देश एक हो सकता है समृद्धशाली हो सकता है ये भारत देश अनेकों संस्कृति का सम्मिलन है अनेकों भाषाओं का सम्मेलन है लेकिन जो भाषा अंग्रेजी हमारी नौकरानी है लेकिन हिंदी हमारी राज रानी है ये हमेशा राज करते रहेगी आप सभी को हिंदी दिवस की मैं बधाई देना चाहूँगा और साथियों मोबाइल फ़ोन के आने से ये जो लिखना पढ़ना पुस्तकें वगैरह बहुत उसका जो चलन है कम हो गया है मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपका मस्तक खुलेगा मोबाइल फ़ोन ये आपको बहुत सारे दुविधाओं में डाल सकता है बहुत सारी परेशानियों में डाल सकता है हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे युवा और ऑनलाइन गेम्स में ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं और अगली पीढ़ी बर्बाद होते हुए हम मैं अध्यापक मैं टीचर होने के नाते ये सब देख नहीं सकता अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकता कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगना चाहिए साथियों मोबाइल फोन चाहे 4G का आए या 5G का आए आ, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि तीन कभी मत भूलिएगा माता पिताजी और गुरु इसी अच्छे वचन के साथ मैं आपको हिंदी दिवस की पुनः बधाई देते हुए आपसे विदा लेता हूँ अपने वाणी को विराम देता हूँ जय हिंदी हिंदी अमर रहे आकाशवाणी आदिलाबाद वंदा पॉइंट रेंडू एफ एम